हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टेक्स्ट। आज अपन बात करने वाले हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व यानी पीसीसी के बारे में। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां दो गुड्स के बीच में अलग अलग प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज निकाली जाती है। आज अपन बात करेंगे पीसीसी यानी कि प्रोडक्शन प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ये टॉपिक समझना जरूरी है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ एग्जैक्टली टू कमोडिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया है। ठीक है, नहीं देखा तो पहले उसको जाके देख लो। मैं यहां बना रहा हूं एक बेसिक सा डायग्राम कि आपके किस डायग्राम में किस तरीके से काम किया जाता है। ये आपकी एक बजट लाइन है जिसके ऊपर आपका ये आ गया इंडिफरेंस कर्व IC1। ठीक है, ये एक बजट लाइन है PL और इसके ऊपर आपका इक्विलिब्रियम आ गया IC1 के नाम से। मान लेते हैं इसको कोई भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल Q दे देते हैं। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट Q पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे। ध्यान से समझना, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या बताता है या प्राइस इफेक्ट, साधारण भाषा में बोले प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट ये बताता है कि प्राइस की वजह से, दाम की वजह से कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न में कितना चेंज आया। वापस से सुनना, दाम की वजह से कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि दाम गिर रहे हैं जब प्राइस कम हो रही है तो कंज्यूमर दोनों में से क्या ज्यादा खरीद रहा है। जब प्राइस कम हो रही है तो कंज्यूमर दोनों में से क्या ज्यादा खरीद रहा है, ध्यान समझ लो। दो गुड्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ले लो एक, ले लो वही नॉर्मल जो अपन लेते हैं मैगी, और एक ले लो वही नॉर्मल जो अपन लेते हैं गुड्डे के बिस्किट। ठीक है, ये दो तरीके के अपने प्रोडक्ट हो गए। मान लेते हैं कि मैगी और गुड्डे का प्रोडक्शन वो कर रहा कंजम्पशन कर रहा था और यहां पे मैगी का दाम जो है वो गिर गया। अब कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न में कितना चेंज आएगा उसके बारे में यहां बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा यहां पे। ठीक है ना, अब देखना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको IC1। अब देखना, जैसे ही मैगी की प्राइस कम हुई, जैसे ही मैगी का दाम गिरा, वैसे ही क्या हुआ, हमारी जो बजट लाइन थी वो रोटेट हो गई। रोटेट होकर क्या हो गई, सामान सस्ता हो गया, यानी कि अपनी बजट लाइन क्या हो जाएगी, रोटेट होके कहां आ गई, PL2 पे। कहां आ गई, PL2 पे आ गई हमारी बजट लाइन। अब आगे ध्यान से समझो इस चीज को, क्या हो रहा है यहां पे, अब बजट लाइन यहां आ गई। अब कंज्यूमर क्या करेगा, अब कंज्यूमर क्या करेगा, क्योंकि मैगी सस्ती हो गई है, मैगी खरीदना आसान हो गया, 6 रुपए की मैगी 5 रुपए की हो गई। अब कंज्यूमर क्या करेगा, अब कंज्यूमर फटाफट से उसको थोड़ा सा और खरीद लेगा। कंज्यूमर क्या करेगा, उसको फटाफट से थोड़ा और खरीद ले। कंज्यूमर ने क्या करा, मैगी का कंजम्पशन ज्यादा करा, गुड्डे का कंजम्पशन कम करा। कम याद है, ध्यान समझ लो, ये बात नहीं कर रहा हूं सेटिस्फेक्शन कितना मिला क्या हुआ, उसने मैगी का कंजम्पशन बढ़ाया क्योंकि मैगी सस्ती हो गई है और गुड्डे का प्रोडक्शन नॉर्मल रखा है, उससे थोड़ा सा कम बढ़ाया। तो ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। यहां देख लो क्या हुआ, IC2 में या मैगी का कंजम्पशन यहां से बढ़कर यहां हो गया और इसका कंजम्पशन जो है कम हो गया, पहले के मुकाबले या उतना ही रहा, थोड़ा सा कम हो गया है इसका गुड्डे का कंजम्पशन। क्यों कम हुआ, क्योंकि भाई मैगी सस्ती हुई तो हम फटाफट काम भागे, मैगी की तरफ भाग गए, इसलिए क्या हो गया, मैगी का कंजम्पशन बढ़ गया और गुड्डे का कंजम्पशन हो गया कम। ठीक है, IC2। ठीक है, हम मानते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है अपना, वो पॉइंट है R। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, कंज्यूम मान लो एक होगा मैगी के दाम और गिर गए, मैगी के दाम और गिर गए तो कंज्यूमर क्या करेगा, मैगी और ज्यादा खरीदेगा। देखो सस्ता हो गया तो ज्यादा डिमांड होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमांड अपन ने पढ़ रखी है कि सामान सस्ता हो गया, जब दाम गिरेगी, जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो जैसे ही सामान सस्ता हुआ और सस्ता हुआ तो क्या होगा, अब मैगी और सस्ती हो गई तो बजट लाइन फिर आगे बढ़ी। अपन ने बजट लाइन तो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, L3 मान लो ये अपनी बजट लाइन। ठीक है, अब मैगी सस्ती हो गई एग्जैक्टली थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन यू लेते हैं ताकि ये कहीं टच नहीं हो। ठीक है, ये ले लो, ये अपनी L3 बजट लाइन है। अब क्या हुआ, अब और सस्ती होगी तो लोगों ने और कंजम्पशन कर दिया। देखो ध्यान समझना, मैगी पहले इतनी थी, इतनी और कर दी, ये IC2 बन गया,
ये आई सी टू ये था तो आई सी थ्री ये बन गया। यहां पर पॉइंट मान लेते हैं अपन, पॉइंट मानते हैं एक्स। ये तीन क्या है, ये तीन अलग अलग कंज्यूमर की कंजम्पशन पैटर्न है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस, जहां पे प्राइस किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कम होता जा रहा है। अब ध्यान समझो, व्हाट इज प्रोडक्शन प्राइस कंजम्पशन कर्व पीसीसी। जब इन तीनों चारों ओर भी अगर अपन बढ़ाएं तो इन सारी कंजम्पशन पैटर्न को जब अपन जोड़ते हैं और उनको जोड़ने से जो लाइन बनती है वो कहलाती है आपकी प्राइस कंजम्पशन कर्व। देखो ये आगे लाइन, ये लाइन आपकी कहलाएगी प्राइस कंजम्पशन कर्व, डॉटेड लाइन जा रही है ना, ये कहलाएगी आपकी प्राइस कंजम्पशन कर्व। अगर साधारण भाषा में इसको लिखते कैसे हैं वो देखो, वहां लिखा हुआ है इट मींस द चेंज इन क्वांटिटी परचेज ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से कंज्यूमर ने अपने कंजम्पशन में कितना बदलाव किया। उसके पास दो गुड्स है, मैगी और भुट्टे दोनों है। सिर्फ मैगी होती तो हमें पता है कि दाम बढ़े तो डिमांड कम करेगा, दाम कम हुए तो डिमांड ज्यादा करेगा, पर साथ में गुड्डे भी था। दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों का साथ में कंजम्पशन देख रहे हैं, तो क्या हुआ, जैसे ही उसके दाम कम हुए बजट लाइन आगे की तरफ रोटेट हो गई। हर बार शिफ्ट नहीं है, रोटेट है, रोटेट हो गई हर बार। और अब क्या हुआ, कंज्यूमर ने क्या करा, ज्यादा कंजम्पशन चालू कर दिया। ठीक है, देखो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। वेल द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर पी एल वन, ये पीसी नहीं है, पी एल वन है। ही इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट क्यू, क्यू को उसको इक्विलिब्रियम मिला हुआ था। वेल द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल, जब प्राइस फॉल हुआ, क्यों कम हुआ मैगी का प्राइस, द बजट लाइन शिफ्ट नहीं है, रोटेट है। भाई क्या कर रहे हो, रोटेट द बजट लाइन, रोटेट टू पी एल टू, बजट लाइन पी एल टू बन गई नई बजट लाइन, क्योंकि इसका दाम कम हो गया। एंड द इक्विलिब्रियम इज नाउ एट पॉइंट आर। सिमिलरली वेन, और जब प्राइस कम हुई तो और ये पीएल थ्री पे आ गया, बजट लाइन जो थी और हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पहुंच गया, वो एच पे पहुंच गया। साधारण सी बात है, साधारण सी बात क्या है कि भाई जैसे ही दाम गिरे हमने कंजम्पशन ज्यादा कर दिया। अब यहां एक छोटी सी चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां आप देख रहे होंगे कि अगर मैं साधारण भाषा में सिर्फ कर्व को बनाऊं तो आपको जो कर्व है वो इस तरीके से जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। तो अब ये समझना कि कब हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कब हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और कब हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है। इन तीनों के बारे में बहुत कम लोग समझाते हैं, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ध्यान समझना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये है, देखो अगर ध्यान समझो, ये अपन एक नॉर्मल हुई डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये अपना एक नॉर्मल डायग्राम हुआ, ये बराबर भी तो रह सकता था, फिर ये हर बार नीचे की तरफ क्यों आ रहा है। ये हर बार नीचे की तरफ इसलिए आ रहा है बिकॉज द कंज्यूमर इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैगी। ध्यान समझ रहा, द कंज्यूमर इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैगी, यानी कि वो मैगी का कंजम्पशन ज्यादा और ज्यादा कर रहा है। और ज्यादा करने का मतलब क्या है, दब ये प्राइस कंजम्पशन का डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है जस्ट बिकॉज इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। What is elasticity? यहां प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहा हूं मैगी के बारे में। देखो ध्यान से, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा सा इसको ध्यान समझना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड के कम होने की वजह से या प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया। मैंने यहां बोला इलास्टिसिटी वन से ज्यादा है, वन से ज्यादा होने का मतलब क्या है, डिमांड में दस रुपए का, या मानो प्राइस में 5% की गिरावट आई, डिमांड में 15% का इंक्रीमेंट आ गया। यानी कि जितना परसेंट प्राइस कम हुआ है उससे ज्यादा प्रतिशत डिमांड बढ़ गई है, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, नीचे आता जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है हमारा कंज्यूमर, हमारा कंज्यूमर चाह रहा है कि भाई मैं मैगी को ज्यादा से ज्यादा खरीद पाऊं। क्यों, क्योंकि अभी उसके दाम कम है। नहीं, शॉपिंग में लेडीज शॉपिंग में जाती है, क्या होता है, लेडीज शॉपिंग में गई, क्या हो गया कि भाई सामान कितने का, 120 का, अच्छा आपके लिए डिस्काउंट है 100 का, तीन ले दो तो 100 का, 20 रुपए कम की वजह से उन्होंने तीन पैकेट करा दिए। क्या हो गया, वहां प्राइस में कितना चेंज आया, उसकी वजह से डिमांड शायद बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये क्या है, ये मोर इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीज समझना, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि भाई जिसके इसकी मैगी की इलास्टिसिटी ज्यादा है, इलास्टिसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, अगर इसके दाम कम होंगे तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें मैंने दो एग्जाम्पल्स और लिए हैं, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड बैकवर्ड स्लोपिंग। इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा के अपवर्ड और बैकवर्ड के बारे में बता देता हूं, ठीक है।
देखो नहीं करा तो रिवर्स करके नोट डाउन कर लेना। हाँ जी आइए वापस अपने इस टॉपिक पे। पीएल वन हमारा इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है क्यूब है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है, काम वही हो रहा है, ये प्राइस कम हुआ ये बढ़ गया। अब जो हमारा कंज्यूमर है द कंज्यूमर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग मोर एफिशिएंटली इन मैगी, यानी कि कंज्यूमर आपका ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो मैगी ज्यादा तो कंज्यूम करेगा, सस्ता हो गया तो वो ज्यादा तो लेगा, पर इतना ज्यादा नहीं लेगा जितना उसको पहले ले रहा था। यानी कि अब जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो यहां नहीं बनेगा, नाउ योर इंडिफरेंस कर्व वुड बी लाइक दिस। कहां बन गया इंडिफरेंस कर्व, यहां बन गया। क्यों यहां बना, क्योंकि देखो पहले वो इतना कंज्यूम कर रहा था, अब वो इतना कंज्यूम कर रहा है, यानी कि उसने दोनों के थोड़े थोड़े से बढ़ा दिए। उसके पास मैगी सस्ती हो गई तो उसके पास मान लो 2 रुपए पर एक मैगी के बच गए, उसने 10 मैगी खरीदता था तो 20 रुपए बच गए, उसने कहा 20 रुपए बच रहे चलो 2 मैगी और खरीद लो और 2 गुड्डे और खरीद लो। क्या समझना, अपवर्ड स्लोपिंग का है, 2 मैगी और खरीद लो 2 गुड्डे और खरीद लो। पहले क्या था जब डाउनवर्ड स्लोपिंग में, जब डाउनवर्ड स्लोपिंग था ना कि भाई सस्ती हो गई मैगी और 20 रुपए बच गए, अच्छा 4 मैगी खरीदो या 5 मैगी खरीदो गुड्डे भी रहने दो, ये था डाउनवर्ड स्लोपिंग। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैगी की ज्यादा थी, यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैगी की कम है, इसलिए जो हमारा कंज्यूमर है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और अगर ये और जाएगा तो हमारा कंज्यूमर और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो आपका वो कर्व है वो ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग। पीसीसी पीपीसी पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व, हमारे राइटर जी काफी खराब हो गए हैं। तो भाई प्राइस कंजम्पशन कर्व ऊपर की तरफ कब जाता है, जब आपकी लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, और बराबर में कब जाता है, व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, दैट इज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। और एक लास्ट टॉपिक, ठीक है एक छोटा सा टॉपिक और आपको करा देता हूं। हॉरिजॉन्टल हो गया, मोर इलास्टिसिटी हो गया, लेस इलास्टिसिटी। एक होता है बैकवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस। बैकवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है, इस तरीके से कि भाई पहले तो बढ़ा और फिर यूं चला गया, ये होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब शुरू में जब दाम गिरे तो कंजम्पशन बढ़ा, पर जब दाम और गिरते चले गए वो क्या हो गया, कंजम्पशन कम हो गया। शुरू में जब दाम गिरे ये लो इस तरीके से बढ़ेगा, यानी कि शुरू में तो यूं बढ़ा फिर यूं उल्टी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब एक्स के दाम गिरे, मैगी जब सस्ती होना चालू हुई तो शुरू में तो मैंने ज्यादा खरीद ली, पर वो और सस्ती होगी और सस्ती होगी, अरे और सस्ती होगी फिर क्या करूंगा, मैं उसको खरीदूंगा नहीं, मैं कहूंगा छोड़ लोकल होगी, छोड़ लोकल होगी, मैं कहा चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा गुड्डे के ऊपर। इसका साधारण सा एग्जाम्पल लो आईफोन। आईफोन अगर आज आईफोन क्यों इतने डिमांड में है, क्योंकि प्रेस्टीज वैल्यू है आईफोन, ठीक है एप्पल दिखता आईफोन। अगर वही आईफोन आपको ओरिजिनल आईफोन 5000 रुपए में आईफोन एक्समैक्स मिलने लग जाए क्या होगा, भीड़ पड़ जाएगी, भयंकर भीड़ पड़ जाएगी, शुरू में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, फिर वही 4000 रुपए मिलने लगते हैं, फिर वही 3000 रुपए मिलने लगे। अब क्या होगा, आईफोन का क्रेज खत्म हो जाएगा, आईफोन का जो क्रेज है वो आपका खत्म हो जाएगा। आईफोन क्रेज में क्यों है, क्योंकि वो महंगा है, हर कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता, हर कोई उसे नहीं ले सकता, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आईफोन महंगा। इसको हम कहते हैं स्नोब इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट पढ़ाऊंगा अभी आपको। यानी कि आपने जब प्राइस कम करा तो प्राइस कम करने पर स्टार्टिंग में तो डिमांड बढ़ी, पर जैसे जैसे प्राइस और कम होता गया डिमांड कम हो गई, और दैट इज बैकवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन का, जहां पे प्राइस कम होने के बावजूद स्टार्टिंग में तो डिमांड बढ़ती है पर फिर उसकी डिमांड कम होती चली जाती है, जस्ट बिकॉज अब वो इतना डिमांड में नहीं रहा है या उसकी वैल्यू गिर गई है। प्राइस तो गिरा साथ साथ उसकी वैल्यू भी गिर गई। प्राइस और वैल्यू दो अलग अलग चीजें होती है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। सो गाइस ये था आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व, जिसके अंदर अपन ने देखा कि प्राइस किस तरीके से कंजम्पशन को डिफर करता है या प्राइस की वजह से कंजम्पशन कैसे चेंज होता है, जब इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है, यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है, या फिर बैकवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व, जहां पे आप ऊपर की तरफ वापस बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज अब वो चीज इतनी प्रेस्टीज नहीं रही। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मेक श्योर टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है और जो कि कोचिंग ढूंढ रहे हैं, भाई थ्योरेटिकल के लिए कोचिंग कहां ढूंढी जाए, थ्योरेटिकल के लिए कोचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर ट्रिप पे ढूंढी जाए। तो चलिए आज के लिए इतना, आपसे कल फिर मिलेंगे। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर ट्रिप्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड